सुना है और मैं सामने भी ले आऊंगा। बहुत सारे लोग बाग ऐसे हैं जो अब्सेंट रहते हैं, कई बार जांच आपको करनी होती है और आप एक घंटे पहले चले जाते हो। आपके मन में तो मात्र ये रहती है, एक घंटे पहले जा रहा हूं, पर जिसको जांच की आवश्यकता है उसके लिए पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत। आजकल तो व्यवस्थाएं भी ऐसी हो चुकी है कि कहीं कोई शिकायत के रूप में कि वो नहीं पहुंचे, वो इतनी बजे पहुंचे, उनकी हाजिरी कब हुई, ये सब प्रशासन के पास आपको इन सब की हाजिरी वगैरह सब भेज देनी चाहिए, ताकि आप पे भी कोई दबाव नहीं रहेगा और सारे स्टाफ को भी ये तय करना चाहिए किसी की सिफारिश से अब वो काम नहीं बचा है जो पहले था कि पीएमओ साहब लो, राजपाल जी से बात कर लो, तो चार डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, ऐसा काम अब नहीं होगा। अब तो तय होगा कि जनता की सेवा मेरा असली विकास है धवलगढ़ का। और जो व्यवस्था आपके हॉस्पिटल में नहीं है, ये मान के चलना चाहिए आप लोगों को कि राजस्थान का चिकित्सा मंत्री निश्चित रूप से धवलगढ़ में सबसे ज्यादा रहेगा। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि ऊपर की जो बिल्डिंग जो आज चल रही है उसको बहुत तरीके से किसी भी प्रकार के कोई सामग्री में कोई समझौता नहीं करना है। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम है, आपको ये धर्म दिखाना है। जिला अस्पताल नवलगढ़ के प्रांगण में आने के बाद कुछ चर्चाएं पहले थी और देख के कुछ बदली थी। सारा परिवार एक जिस तरीके से इस नवलगढ़ की व्यवस्था को देख रहा था परिवर्तन के लिए, वो पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरा नवलगढ़ का परिवार एक साथ हम सब किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो निश्चित रूप से मनोज जी, कृष्ण कुमार जी, श्याम जी, भाई साहब, आप लोगों का जो आप लोग सब मिलते हो साथ में, तो मैं निश्चित रूप से देखकर ये भी सोचता हूं कि मैं आपके आशीर्वाद से आगे तो बढ़ा हूं लेकिन मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं। मुझे आपके बिना बोले आपके दिखने से निश्चित रूप से महसूस भी होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे एकजुटता का रूप देने वाले ऐसे सुभाष जी लांबा, इसे यूथ को चलाने वाले सारे यूथ मेरे साथ हैं, मैं सबका आज इस हॉस्पिटल के ओटी के इसे उद्घाटन में, फैशन थिएटर के उद्घाटन में ये नहीं बोल करके, मैं राजनीतिक रूप नहीं देख करके, और मैं ये व्यवस्था को देखने भी आया था, मेरा मन भी था और चुनाव के बाद में लेट होने का मन ये था। मैंने सुरेश जी को कह भी दिया था टेलीफोन करके। वैसे मेरे लोगों का मेरी काम करने की आदत दूसरी है कि मैं विधायक बनने के बाद ये तय नहीं करता हूं कि मैं निर्दयी हूं या सबको मेरे पास बुलाऊ। मैंने भी इस हॉस्पिटल के अंदर तरीके से दो चार लोगों को छोड़ा, सब अपने आप में देख कर भी गए हैं। हर पांच सात दिन से वो लोग आएंगे रिपोर्ट लेने का काम, चाहे वो चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, जलदाय विभाग की कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आ रही है, किरोड़ी नौरा से लेकर डिहाल तक, चाहे मुकंदगढ़ से नवलगढ़ में, मैं हर विभाग की बात कह रहा हूं। पर मेरा पूरा ध्यान है, आप ये तय आप मान नहीं सकते हो कितने लोग किस काम को देख रहे हैं, वो मात्र अपने मन से देख रहे हैं। उन्होंने धर्म निभाया है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर इसलिए देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है और वो सब मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको आज ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस जिला अस्पताल नवलगढ़ में व्यवस्थाएं आज के दिन, आज से पहले यदि कहीं सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, सभी डॉक्टर अधिकारियों से, नर्सिंग स्टाफ से भी, यहां कई लोग बात सुना है और मैं सामने भी ले आऊंगा। बहुत सारे लोग बाग ऐसे हैं जो अब्सेंट रहते हैं, कई बार जांच आपको करनी होती है और आप एक घंटे पहले चले जाते हो। आपके मन में तो मात्र ये रहती है, एक घंटे पहले जा रहा हूं,
और जिसको जांच की आवश्यकता है उसके लिए पूरा दिन ही खराब हो जाता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आज हमें सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि हमारे इस नवलगढ़ जिला अस्पताल से किसी को आंखों के ऑपरेशन करवाने के लिए अब कहीं और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था यहाँ पे है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज हमने सर्जरी जो ऑर्थो आई ऑपरेशन थिएटर का जो उद्घाटन किया है, इसमें सबसे सब घूम फिर के हमने जब देखा है, आप सब लोगों को आना बहुत बड़ा आवश्यक था, वो इसलिए था कि आप लोगों को खुद को आंखों से देखना चाहिए। एक विधायक जा रहे हैं, विधायक के रूप में जाकर के वहां के अधिकारी कर्मचारी माला डाल देते हैं, वो नहीं, आपका आपको स्वयं को आकर के देखना चाहिए। जितने भी सीनियर है वो आकर कभी भी किसी भी डॉक्टर के साथ, यहाँ के जो भी प्रमुख है उनके साथ बैठ करके आप बातचीत कर सकते हो। आपके शहर के अंदर इस शहर के बड़े हॉस्पिटल में, ये जिले का इस नवलगढ़ के हॉस्पिटल में बहुत सारी व्यवस्थाएं वो भी है जो SMS में है और मेडिकल में नहीं है। मैं आंखों से भी देख के आया हूं, पर मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि हमको भी पूरे स्टाफ को, पूरे स्टाफ के साथ, यहाँ के डॉक्टरों के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, सबके साथ, जितने भी पेशेंट आए और पेशेंट के साथ आने वाले लोग भी, इनके साथ अच्छे से बात करके और अपना इनसे डॉक्टरों का लाभ उठाए, इलाज करवाए, ताकि आप सब एक दूसरे मन से काम करोगे तो निश्चित रूप से इलाज अच्छा होगा। आप यदि सही तरीके से बोलोगे तो पहला इलाज तो बोलते ही हो जाएगा कि आपने प्रेम से कहा। और इसी के साथ आज हम सब जानते हैं इस बात को, निश्चित रूप से पूरी देश और दुनिया जानती है कि जितनी सेना के, सेना की आवश्यकता है, जितनी सेना, भारत की सेना जितनी सेवा दे रही है, उससे कम कहीं इन डॉक्टरों की सेवा नहीं है। मुझे इनको, इनके काम को देख करके ये लग रहा है कि आज हर चिकित्सा के अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है। और आज हमारे नवलगढ़ के इस जिला अस्पताल में मुझे पहली बार आकर के, और अच्छा रहा, मेरी सोच है, बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि आपको तुरंत भी जाना चाहिए, तो मैं आज आकर के मुझे कुछ अलग भी लगा है कि आप सब जिम्मेदारी से जितना पीछे किया उसे कहीं अधिक और ज्यादा अच्छा हो, या आप सबको जिम्मेदारी निभानी है। और आजकल तो व्यवस्थाएं भी ऐसी हो चुकी है कि कहीं कोई शिकायत के रूप में कि वो नहीं पहुंचे, वो इतनी बजे पहुंचे, उनकी हाजिरी कब हुई, ये सब प्रशासन के पास आपको इन सब की हाजिरी वगैरह सब भेज देनी चाहिए, ताकि आप पे भी कोई दबाव नहीं रहेगा। और सारे स्टाफ को भी ये तय करना चाहिए, किसी की शिकायत से अब वो काम नहीं बचा है जो पहले था, कि PMO साहब लो, राजपाल जी से बात कर लो, तो चार डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, ऐसा काम अब नहीं होगा। अब तो तय होगा कि जनता की सेवा मेरा असली विकास है नवलगढ़ का, और यही आपको भी कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। पावर मुझे ध्यान है बहुत तरीके से, हो सकता है कोई एकांत भाई साथी कई बार कोई नाराजगी भी महसूस कर सकते हैं, पर मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेने की, जब जनता ने मुझे प्रेम से ताकत से जिम्मेदारी दी तो मैं वैसा ही निभा रहा हूं। तो आप लोगों की जितने भी प्रमुख यहाँ पे डॉक्टर है उन सबको कहना चाहूंगा कि आपको भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपको कि जीवन कौन लोग आते हैं आपके पास, पता थोड़ी होता है कब एक्सीडेंट हो, कब किसी का सांस खड़ा हो जाए, कब किसी की हालात खराब हो जाए। 24 घंटे अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, रात्रि के अंदर कई बार, दिन में। अब ये डिलीवरी का समय कोई तय थोड़ी है, ये तो सब ईश्वर की ओर से है, तो 24 घंटे ये भी व्यवस्था इस हॉस्पिटल में होनी चाहिए। मैं आज सबको कहना चाहूंगा कि जो मैं आज आप सबके बीच में कहते जा रहा हूं, इस पे आपको निश्चित रूप से अमल करना चाहिए, और जो व्यवस्था आपके हॉस्पिटल में नहीं है
ये मान के चलना चाहिए आप लोगों को कि राजस्थान का चिकित्सा मंत्री निश्चित रूप से नवलपुर में सबसे ज्यादा देगा। आपको खूब खूब किन शब्दों में मैं क्या कहूं, आपकी साफ सफाई कई व्यवस्थाएं देख करके बहुत अच्छा लगा। और मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि ऊपर की जो बिल्डिंग जो आज चल रही है उसको बहुत तरीके से किसी भी प्रकार के कोई सामग्री में कोई समझौता नहीं करना है। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम है, आपको ये धर्म दिखाना है। इतना ही कहकर नवलगढ़ से सारे बड़े बुजुर्ग नौजवान सब पधारे हुए हैं, मैं पूरे स्टाफ का एक विधायक के रूप में बहुत बहुत आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप आज तक यदि आप में कोई कमी रही हो तो एक मानवता के नाते अब ये तय कर लेना कि आज के बाद हमारे में कोई कमी नहीं रहे, हम जनता की सेवा में तत्पर रहे। जय हिंद, जय भारत।